हेलो एंड वेलकम टू मोरा गवाड। आज हम ये खूबसूरत सा मंत्र बनाने वाले हैं। ये गायत्री मंत्र है। इसके लिए हमने वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन लिया है। तो इसमें हमने एक मेटलिक वाइट लिया है, ऑफ वाइट लिया है और थोड़ा येलो लिया है। सबसे पहले जो पूरा सरफेस है 24x18 इंच जिसका साइज़ है, पूरे सरफेस पे हमने ऑफ वाइट और जो वाइट है मेटलिक उसको डाल दिया है और इन दोनों को मिक्सिंग कर लिया। उसके बाद येलो का टेक्सचर ऊपर क्रिएट करने के लिए हमने येलो को डाला है और उसके बाद इसको मिक्स करके ये हमारा पैटर्न बन के आया है। गोल्डन के हाइलाइट्स इसके अंदर दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। अब इसके बाद जब ये सूख जाता है हम इसके ऊपर मंत्र पेस्टिंग करते हैं। मैं स्टेंसिल की हेल्प कर रही हूँ ताकि मंत्र मेरा इजीली पेस्ट हो जाए। गायत्री मंत्र घर में शांति लाता है, पॉजिटिविटी लाता है और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर और प्रीमियम लगने वाला है। घर को डेकोर करने के लिए भी और एक हैप्पी वाइब जो घर में क्रिएट करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ये पूरी तरह से कस्टमाइज ऑर्डर है और कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग हमने इसको तैयार किया है। आप भी इस तरह के कस्टमाइज वॉल मंत्र हमसे बनवा सकते हैं। इस तरह से हमने सभी पूरा मंत्र हमने अच्छे से पेस्ट कर दिया इसके ऊपर और उसके बाद हम जो ये हमारा स्टेंसिल है इसको हटा देते हैं। और ये देखिए हमारा मंत्र कितना सुंदर लग रहा है, कितने अच्छे से इसके ऊपर ब्लेंड हुआ है, कितने अच्छे से मंत्र लग चुके हैं। और ये जो ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट होती है इसको हटाने के बाद फुल शाइन इसके ऊपर आई है, रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा आता है और बहुत ही मिरर वाला रिफ्लेक्शन जो है, ग्लोस जो है वो इसके ऊपर क्रिएट हुआ है। ये देखिए बहुत ही डिज़ाइनर और प्रीमियम पैटर्न है और घर को सजाने के लिए भी अच्छा है। और एंट्रेंस पे अगर आप लगाते हैं या आप घर के ड्राइंग हॉल में इसको लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो इस तरह से ये हमारा मंत्र का फाइनल लुक है। ये मंत्र हमारा तैयार है बट इसके ऊपर हम एक और ट्रांसपेरेंट केमिकल की लेयर लगा रहे हैं इसको सील करने के लिए, ताकि इसका जो ग्लोस है वो और बढ़ जाए और इसकी लाइफ भी थोड़ी एक्सटेंड हो जाए। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर नीड हो तो ही करें, कस्टमर की डिमांड हो तभी करें, वरना उसके अलावा भी मंत्र का लुक बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने सभी कॉर्नर्स को अच्छे से कवर करने के बाद ट्रांसपेरेंट केमिकल को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। मंत्र और स्टेंसिल से जो ये एक्रेलिक लगा है ये पूरा अच्छी तरह से केमिकल के अंदर सील होना चाहिए। अब इसके बाद ये जो एयर बबल्स थे ये हमने रिमूव कर दिए हैं और इसको सेट होने के लिए हम कुछ घंटों का टाइम दे देते हैं। जब ये सूख जाएगा तो ये दीवार पे पेस्ट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप भी हमसे कांटेक्ट करके इस तरह के मंत्र अपने पसंद के अकॉर्डिंग हमसे कस्टमाइज करवा सकते हैं। मंत्र जो आप कहेंगे वो लग जाएगा। डिज़ाइन, कलर, कॉम्बिनेशन सब चीज़ आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही होगी। अब आप भी अपने घर को अपने हिसाब से सजा सकते हैं। और ये हमारे इस मंत्र का फाइनल लुक है। जो भी आपके रिव्यू हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आई होप आपको ये पसंद आया हो और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के। थैंक यू।